हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। आज हम बात करेंगे, ये एक डिस्प्ले है जो 2.8 इंच SPI 240x320 डिस्प्ले है, ठीक है। ये SPI कनेक्शन है और इसमें टच स्क्रीन भी रहता है, लेकिन ये डिस्प्ले में टच फैसिलिटी नहीं है, तो ये नॉर्मल वाला डिस्प्ले है, ठीक है। इसमें एक SD कार्ड लगाने का भी स्लॉट दिया हुआ है, जिसका आउटपुट इधर है, ठीक है। ये SD कार्ड का आउटपुट है ऊपर में, और इसका नीचे जो इसका इस डिस्प्ले का पिन आउट्स है। इसको आज हम इंटरफेस करेंगे ESP32 बोर्ड के साथ, ठीक है, और एक शानदार प्रोजेक्ट बनाएंगे इसके साथ। तो चलिए, इसके लिए हम लोग को चाहिए कुछ जंपर वायर्स, ठीक है। तो हम ये फीमेल कनेक्टर ले लेंगे, और इसके साथ चाहिए हम लोग को ESP32 मॉड्यूल जो वाईफाई के माध्यम से काम करेगा, ठीक है। तो ये रहा इसका ESP32 मॉड्यूल। इसका कनेक्शन कैसे होगा वो आपको वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए। बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है जो आप खुद बना सकते हैं, या फिर आप सिमुलेशन में भी बना सकते हैं अगर आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो उसका भी जानकारी दिया जाएगा। कनेक्शन जो है वो VCC के साथ होगा, GND के साथ, CS D5 के साथ, रीसेट जो है वो D33 के साथ, DC पिन जो है वो D27 पिन के साथ होगा, MOSI पिन होगा D23 पिन के साथ, SCK होगा D18, LED पिन आप D22 में भी लगा सकते हैं, या फिर 3.3 वोल्ट में लगाएंगे तो ये ऑलवेज बैकलाइट ऑन रहेगा, और MISO पिन D19 के साथ कनेक्ट होगा। तो इतना सही इसका कनेक्शन है। इसमें SD कार्ड हम लोग ने यूज़ नहीं किया, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ऑनलाइन ये जो है इमेज को इसमें प्रोजेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये एक डेमो कोड हम लोग पहले इसमें अपलोड करेंगे, उसके बाद हम लोग वो प्रोजेक्ट में चलेंगे। तो चलिए पहले इसका USB कनेक्शन कर लेते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे हम लोग Arduino IDE प्रोग्राम को ओपन कर लिए हैं। तो यहाँ पे ESP32 बोर्ड आपको ऐड कर लेना होगा पहले, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे प्रिपेरेंस में जाके जो ESP32 बोर्ड का जो लिंक है वो यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे डालने के बाद वो बोर्ड मैनेजर में शो करेगा, और वहाँ से बोर्ड मैनेजर से ये ESP32 बोर्ड को डाउनलोड कर लेना होगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे ESP32 लिखने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना है, तो मैंने ऑलरेडी करके रखा है। उसके बाद आपको लाइब्रेरी मैनेजर में जाना होगा, मैनेज लाइब्रेरी में। वहाँ पे एक लाइब्रेरी आपको ऐड करना होगा जिसका नाम है Arduino GFX, ये लाइब्रेरी आपको ऐड करना होगा, ठीक है। और उसके साथ कुछ और भी लाइब्रेरी है जो आपको ऐड करना होगा, ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। इसके साथ आपका ESP32 का या फिर वाईफाई ये सब लाइब्रेरी भी कुछ लाइब्रेरी है जो नीडेड है वो करना होगा। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल में ये लाइब्रेरी में जाना होगा, GFX फॉर Arduino, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक डेमो कोड लेंगे, ये क्लॉक कोड ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपका कनेक्शन जैसे मैंने दिखाया था वैसे यहाँ पे भी सेम कनेक्शन है, यहाँ पे डिक्लेरेशन किया हुआ है जो भी कनेक्शन है। तो देखिए क्लॉक कोड जो है वो अपलोड करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं राइट साइड में जो क्लॉक, ये एनालॉग क्लॉक है जो चल रहा है। तो ये अभी हम लोगों ने ये जो मेन कोड है जो प्रोजेक्शन के लिए, इमेज प्रोजेक्शन के लिए, ये ओपन कर लिया है, जो ऑनलाइन के माध्यम से सर्वर के माध्यम से ये पिक्चर को डिस्प्ले में प्रोजेक्ट करेगा हर मिनट में, और एक नया डिस्प्ले नया इमेज आएगा जो टाइम के साथ दिखाएगा। तो अभी ये कोड अपलोडिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं। और मैंने इसका जो LED पिन है वो 3.3 वोल्ट में रखा है। तो देखिए अभी सीरियल मॉनिटर ओपन हो गया, देखिए 10:10
41 मिनट हुआ है और यहाँ पे एक इमेज भी आ गया और ये सीरियल मॉनिटर में दिखा रहा है कि कितना साइज है, कोड है, सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये पिक्चर एवरी मिनट में ये चेंज होता रहेगा, जैसे कि ये 10:42 हुआ तो ये दूसरा पिक्चर के साथ ये चेंज हो गया। देखिए 10:43 मैंने स्किप कर दिया था, वीडियो को काट दिया था, इसलिए टाइम बचे, इसलिए देखिए अभी ये पिक्चर में आपको दिखाई देगा 16:57, मतलब ये जो है 24 आवर क्लॉक है। और यहाँ पे सिमुलेशन में भी मैंने इसको किया था, तो सिमुलेशन का भी जो है वो कैसे करना है वो इस वीडियो में भी आपको दिखेगा, तो वीडियो में बने रहिए। सिमुलेशन में थोड़ा इसका FPS जो होता है, मतलब क्लॉक स्पीड इसका कम होता है, इसीलिए ये फ्रेम बाय फ्रेम वो आ रहा था, लेकिन इसमें अच्छे से आता है। तो देखिए इसमें जैसे कि टाइम चेंज होते ही इसका तो क्विक हो गया 16:59, लेकिन उसमें अभी तक 16:58 है, तो वो चेंज होगा। तो ऐसे ही ये जो डिस्प्ले है आप घर में टेबल में भी रख सकते हैं या फिर आप अपने कार पे लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब जहाँ पे भी आपका एक अच्छा डिस्प्ले होगा ये चीज़, ठीक है, आपका वर्क टेबल में भी इसको लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। और ये ऑनलाइन के थ्रू ये अपडेट होता रहेगा ऑटोमेटिक। ये अभी सिमुलेशन में देखते हैं, तो ये जो कोड है ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इसको कॉपी कर लेते हैं, सिमुलेशन में चलते हैं। तो सिमुलेशन के लिए ये क्रोम ओपन करना होगा, यहाँ पे wakai.com पे जाना होगा, ठीक है, ये साइट है जो सिमुलेशन का एक अच्छा चलता है इसमें। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो एक उसका बनाया था उसको ओपन कर लेंगे, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बना के इसको रखा है, तो यहाँ पे है ये, इसको ओपन कर लेंगे। तो ये ओपन हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में कोड है और राइट साइड में इसका सिमुलेशन का इमेज है, ठीक है। इसका जो कनेक्शन है वो वैसा ही है जैसे हम लोगों ने प्रैक्टिकल में किया था, ठीक है, इसलिए इसमें डिटेल्स में नहीं दिखा रहे, तो उसका जो कनेक्शन है वैसा ही है। ये इसको आपको ये सिमुलेशन का पूरा डिटेल्स मैं शेयर कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप सिमुलेशन में भी पहले ट्राई कर सकते हैं फिर फिज़िकली बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोड है यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है, और इसका एक्स्ट्रा जो एक टैब होता है वो लाइब्रेरी जो है, मतलब url.h, वो ऊपर में आप देख सकते हैं न्यू टैब में ऐड किया हुआ है। और यहाँ पे जो है ये जो वाईफाई है आपका, यहाँ पे आपका हॉटस्पॉट काम नहीं करेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा wakai-guest, ये जो इसका SSID है, और पासवर्ड में कुछ नहीं रहेगा, पासवर्ड ब्लैंक रहेगा तभी ये काम करेगा। और अगर आप फिज़िकली इसको बना रहे हैं ESP32 बोर्ड के साथ, तो वहाँ पे आपको अपना जो वाईफाई का क्रीडेंशियल है वो डालना पड़ेगा, और नीचे में जो इंडिया का टाइम जोन है मैंने ऑलरेडी डाल कर रखा है वो आपको डालना पड़ेगा। ये दोनों चेंजेस आपको करना होगा। और URL में बहुत सारा लिंक्स है, मतलब पिक्चर का अलग अलग सिस्टम है, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और लाइब्रेरी में जाके आपको यहाँ पर लाइब्रेरी भी करना होगा, तो मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे url.h में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लिंक्स भी है, तो मैंने एक ही इसको अनटिक करके रखा है, तो वही इसमें यूज़ होगा। तो चलिए इसको
सिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये प्ले बटन दबा के इसको सिमुलेट कर सकेंगे। तो चलिए इसको सिमुलेट करके देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। तो ये सिमुलेशन हो रहा है, देखिए कनेक्टिंग वाईफाई, ये इमेज जो है आ रहा है। तो ये इमेज जो आ रहा है वो फ्रेम बाय फ्रेम आ रहा है, मतलब इसमें बहुत ही स्लो सिमुलेशन होता है क्योंकि ये सर्वर के माध्यम से होता है, इसलिए। तो आप देख सकते हैं टाइम जैसा है ये वैसा ही चेंज होता रहेगा। तो मैंने लैपटॉप का जो टाइम एंड डेट है उसके साथ आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 5:23 हो गया और इसमें थोड़ा सा डिले है, ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन सिमुलेशन है, लेकिन आप अगर फिजिकली इसको बनाते हैं तो रियल टाइम में होगा। तो ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।